हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको शिक्षा से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई कोई भी बात जेन्युइन मिलेगी। और ख़ासतौर पर टीचिंग एग्ज़ाम की हम बात करें, DSSSB, MCD, KVS या हरियाणा के आसपास जो भी कोई वैकेंसी आएंगी तो आपको सबसे पहले बता दी जाएंगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं DSSSB में क्या हुआ और कैसा बच्चों के साथ इनजस्टिस भी हुआ है, कुछ के साथ बहुत अच्छा भी हुआ है। जिनके साथ बहुत अच्छा हुआ है वो शायद मेरी बातों को एग्री नहीं करेंगे, मेरी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन साथियों, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है वो काफ़ी सदमे में है, काफ़ी दुखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन वोटिंग भी कराई थी, तो 78% बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये देखने वाली बात है, बहुत गलत बात है। DSSSB ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है। एक ही शिफ्ट में मार्क्स बढ़ते भी दिखे हैं, एक ही शिफ्ट में घटते भी दिखे हैं। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि आप लोग आज, मैंने कल बताया था कि आज आपको 9 बजे 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि मुझे कल पता चला था कि वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे। अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है तो आप जाएं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत नहीं हुआ फिर मैं आपको सपोर्ट करूँ। आपके साथ अगर ऑनेस्टली गलत हुआ है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाएं, अपनी मांगे रखें। और मैं बताता हूं आपको, अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको 10 रास्ते दिखेंगे, अगर आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं, अपने हक के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जल्दी करें और वहां जाके अपनी मांगे रखें कि सर जो भी कुछ है वहां आपको 10 बंदे मिलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखें आप कि कुछ भी स्टेप लेने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या आप इसमें आगे तक सफल होंगे नहीं होंगे। आपको 10 तरह के बंदे भी मिल सकते हैं जो आपसे पैसे मांगेंगे कि हमें इतने पैसे दो, हम आपका काम कराएंगे या केस लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के करें, क्योंकि इस चीज़ में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। मुझे पता चला है कि वहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाएं, देखें वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पे और भी साथी आपको मिलेंगे, तो इस हिसाब से आप वहाँ पे इकट्ठे होके अपनी मांगे रखें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास जेन्युइनली आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप अपनी मांगे रखें। ये नहीं कि मार्क्स आपके कम नहीं हुए और आप फिर उस मतलब बिना बात वहाँ पे जाएं। हालांकि मुझे सुनने में आया है और खुद मैंने भी देखा है, एक ही शिफ्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत कम भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा भी हुए हैं। तो ये DSSB का जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, किसी को अच्छे से समझ नहीं आया है। तो आप वहाँ पे जाएंगे आप, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अभी सुनना है कि काफ़ी कैंडिडेट्स अलग जा रहे हैं, काफ़ी अलग जा रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप एक साथ रहें, मिल के करें, क्योंकि अगर आपके 10 ग्रुप बन जाएंगे और 10 ग्रुप में कितने कितने 50-50 कैंडिडेट्स हो गए तो कुछ नहीं होगा। अगर एक ग्रुप बना के आप 500 कैंडिडेट्स कुछ करेंगे तो जरूर दबाव बनेगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप मांग ये रखें कि सबसे पहले तो OMR सीट निकाल के दो, इसके बाद पूरी चेकिंग कराओ और जो भी आपकी मांगे हैं, कुछ भी मांगे हैं, आप वहां पे जाएंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद यही है कि सारी चीजें आपके साथ अच्छी हों। हालांकि DSSSB ने जो कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग से पैदा करी है वो अभी चल रही है, और पढ़ने वाले बच्चों का इसमें हर बार नुकसान ही होता है। इसमें ऐसे भी साथी होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, उनके दिल में एक डर होगा कि कहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपको अपने उन साथियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने मेहनत करी और उनके मार्क्स भी कम हो गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। DSSSB दिल्ली का, राजधानी का एक बोर्ड है, इसमें भी ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत गलत है। ये चिंता का विषय है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा। गवर्नमेंट को DSSSB पर कोई मतलब स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत गलत हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।
वंदे मातरम।